दोस्तों आज हम इस कार का इंटीरियर क्लीन करेंगे क्योंकि कार के अंदर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो पूरा कचरा भर गया है। देखो पीछे का हाल देखो, ये किसी ने गुटखा खा के भी पैकेट फेंका, इधर बहुत बुरा हाल है। अंदर पूरा गंदा हो गया, सब हम क्लीन करेंगे। ये देखो मैं आपको आगे का भी दिखाता हूँ, आगे का ये देखो यहाँ पर किसी ने पैर दिया, मट्टी लग गया और पूरा गंदा है बिल्कुल। और ये देखो ये अंदर भी गंदा है, ये भी हम क्लीन करेंगे। ये देखो ये सब बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, कार के अंदर का फुल मैट को बाहर निकालेंगे। शिट, पूरा कचरा हो गया इधर। इसको अगर संभाल के नहीं निकालेंगे तो पूरा नीचे गिर जाएगा सब कचरा। दोस्तों ये देखो, ये पीछे से निकाला मैंने, पीछे वाला मैट, ये देखो ये कितना धूल मट्टी निकल रहा है इसके अंदर से। अरे देखो ये छोटा एक पीस है, ये देखो ये कितना कचरा। ये देखो ये मैट निकालने के बाद, देखो अंदर ये निकलने में थोड़ा सा मट्टी गिर गया था साइड से। देखो ये क्या हाल हो गया, देखो अंदर का पूरा कचरा। ये देखो पूरा कचरा हो गया। ये प्रॉपर हम वैक्यूम से पूरा खींच लेंगे, पूरा क्लीन कर लेंगे इसको एकदम। चलो पूरा सामान अभी बाहर निकल लिया। चलो ये भी थोड़ा कुछ बाहर निकल रहा, इधर भी कुछ भी है। ये बारीक बारीक सामान भी सब बाहर निकल लेना, नहीं तो जब हम वैक्यूम चलाएंगे ना तो पूरा कोई अगर पैसे का सिक्का रहेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स कुछ रहेंगे तो वो भी खींच लेंगे। इसलिए जो केबल वगैरह है वो भी आपको साइड कर लेना है। ये देखो ये मैंने आगे का भी निकल दिया। देखो ये कचरा पूरा ऊपर, देखो डस्ट वगैरह है, ये सब बराबर से एकदम क्लीन कर लेंगे हम। ये देखो नीचे भी यहाँ पर कचरा है और सीट के यहाँ पर देखो अंदर साइड में जो कचरा है ना, ये भी हम निकल लेंगे, पूरा डस्ट वगैरह सब खींच लेंगे वैक्यूम से। दोस्तों कार के इंटीरियर क्लीन करने के लिए आपको दो तरह का वैक्यूम क्लीनर का नॉजल जरूरत पड़ सकती है। देखो एक ऐसा वाला और दूसरा वाला ऐसा। तो जैसे इसको अगर अपने को काम नहीं बन रहा तो इसको आप ऐसा लगा सकते हैं। देखो तो दोनों आपको यूज़ करना पड़ सकता है, दोनों अलग अलग जगह के लिए। जैसे जहाँ पर नॉर्मल मैट है और जहाँ पर कचरा ऐसा मैट के अंदर घुस गया होगा जो ठीक से नहीं निकल रहा है, तब उसको वहाँ पर ऐसे यूज़ कर सकते हो। और जहाँ पर नॉर्मली सीट के साइड में बाजू में जहाँ पर अंदर बिल्कुल ये जा नहीं सकता, वहाँ पर आप इसको ऐसा यूज़ कर सकते हो। ये तो दो तरह का ऐसा यूज़ करना पड़ सकता है। तो चलो सबसे पहले अभी कार के अंदर पूरा वैक्यूम ठीक से मान लेते हैं और इसको ये कचरा जो है इसको हम खींचेंगे। देखना कैसे तेजी से खींच लेगा। ये देखो कुछ लोग क्या करते हैं, बाद में वो हवा से बाद में इसको उड़ा देते हैं, पर इससे पूरा कार गंदा हो जाता है। तो आपको ऐसा इसको खींच लेना है। देखो अरे इसको अटक गया। ये देखो अभी ये जो ऊपर का जो लूज था वो तो खींच लिया है। देखो अब लेकिन जो अंदर जो डीपली जो है ना वो नहीं निकल रहा है ना, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या तो इसी से हमको ज़्यादा टाइम खींचना पड़ेगा या तो दूसरा वाला जो नॉजल है हम अभी उसको वो लगा के देखेंगे। चलो अब हम ये ब्रश टाइप जो नॉजल है हम इसका भी ट्राई करेंगे। ये ऐसा घिसना रहता है, देखो ये परफेक्ट जैसा ऐसा घिसोगे तो पूरा ऐसा क्लीन हो जाएगा। देखो जगह पर नया जैसा क्लीन हो जाएगा। वाओ ये देखो ये देखो यहाँ पर ऐसे धूल मट्टी है, इसको ऐसा घुसो। ये देखो क्या मैंने लगता है 6 महीने से मैंने इसे क्लीन नहीं किया था, पूरा डीपली अंदर घुस गया मैट के अंदर। ऐसा घुसो तो बिल्कुल ऐसा क्लीन हो जाएगा। Okay.
ये देखो मस्त एकदम चकाचक क्लीन हो गया, वाओ पूरा ब्लैक हो गया। देखो अभी वो साइड देखो बाकी है, देखो इधर का हाल देखो और ये यहाँ का हाल देखो, बिल्कुल क्लीन हो गया। डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये देखो वहाँ और यहाँ, वाओ ये देखो। पूरा पत्ते वत्ते पता नहीं कहाँ से आ गए। चकाचक ये देखो कैसा था और कैसा हो गया। तो दोस्तों देखो यहाँ पर डिक्की पे क्लीन हो गया है ना, और फिर ये देखो पीछे यहाँ पर क्लीन हो गया, और अब बचा है ये यहाँ पर सामने, ये क्लीन करेंगे। ये देखो देखो पूरा एकदम क्लीन हो गया, देखो चकाचक ये यहाँ पर क्लीन करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना, सीट को बिल्कुल ऐसा सुला देना है, यस ये सर, ये देखो ऐसा पीछे कर लेना है सीट को, और उसके बाद आपको यहाँ पर ऐसा ब्रश मार देना है। ये दोस्तों जब फुल कार को जब वैक्यूम मार के हो जाए, उसके बाद जो डैशबोर्ड है इसमें हम क्या करेंगे, माइक्रोफाइबर क्लॉथ से थोड़ा इसको पहले डस्ट जो है उसको क्लीन कर लेंगे, इसके ऊपर डस्ट बैठता है भाई, इसके ऊपर भी डस्ट बैठता है, उसके बाद फाइनल पॉलिश मार देंगे, बाद में हो जाएगा इंटीरियर क्लीनिंग। दोस्तों ये देखो ये जो धूल मट्टी है, ये देखो यहाँ पर जो कचरा लगा हुआ है, ये देखो किसी ने पैर से गंदा कर दिया, और देखो ये जो मट्टी वगैरह है ये सब, सबसे पहले आपको क्या करना है, पानी से अच्छे से ऐसा ऐसा बाल्टी में ऐसा पानी लेकर के स्लाइटली शैम्पू डालेंगे, तो थोड़ा सा शैम्पू डाल के ऐसा क्लीन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये देखो ऐसा आपको पूरा फुल फाइबर जो बॉडी है उसको आपको हर जगह पे ऐसा पानी से अच्छा से ऐसा क्लीन कर लेना है। ऐसा कपड़ा लिया, इसको थोड़ा अच्छे से निचोड़ेंगे, ये ऐसा निचोड़ा बोलते ऐसा सूखा टाइप ऐसा बना के इसको फुल ऐसा जो फाइबर बॉडी है उसको ऐसा पोंछ लेना है सूखा सूखा, जैसे आपको फुल कपड़ा अच्छे से मार लेना है। ये देखो ऐसा आपको कपड़ा मार लेना है, ये देखो ब्लैक हो जाएगा मारते ही, ये देखो ये गंदा है, इसको ऐसा कपड़ा मार लेना, ये देखो ऐसा। जितना सारा मतलब फाइबर बॉडी है आपको हर जगह पे प्रॉपर ऐसा क्लीन कर लेना है। फुल कार को जब कपड़ा मार के हो जाए, उसके बाद ऐसा स्पंज लेना है आपको एक, और उसके बाद ये जो डैशबोर्ड पॉलिश है आप किसी भी तरह का ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ये मैंने डैशबोर्ड पॉलिश जरा सा ऐसा लिया स्पंज के ऊपर, और बाद में अपने को जितना सारा फाइबर बॉडी है उसको हम ऐसा अप्लाई करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर अभी ऐसा ऐसा चिपका देता हूँ इस तरह का ऐसा, बाद में इसको ऐसा अप्लाई कर देंगे, ये ऐसा पूरा घिस देंगे ऐसा, तो अच्छा उसमें बाद में शाइन आ जाएगा, जितना सारा जो फाइबर बॉडी है उसमें मस्त अच्छा सा शाइनिंग आ जाएगा। ये देखो ऐसा देखो जैसे ये कलर दिख रहा है आपको, एक ऐसा पुराना जैसा कलर दिख रहा है, जैसे हम इसको ये पॉलिश अप्लाई करेंगे देखना मस्त एकदम डार्क ब्लैक हो जाएगा वो, ये देखो ऐसा एक शाइनिंग आ जाता है उसमें पॉलिश अप्लाई करने के बाद ही, ये देखो मस्त, ये देखो डार्क ब्लैक हो गया। ऐसे अपने को फुल डैशबोर्ड को मार लेना है, दोस्तों इंटीरियर क्लीन प्रॉपर हो गया है, मैंने पॉलिश भी कर दिया है। अभी ये जो मैट है ये देखो ये वाला मैं अभी बस मस्त ऐसे धो करके मैं डाल देता हूँ,
है ना। बाद में वीडियो करो, मैं लंबा नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।